हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। आज हम शेयर करने वाले हैं अपने बेबी का हेयर केयर रूटीन। अनी 2.5 साल का है और वो एक बेबी बॉय है। उसके लंबे घने काले बालों को देखकर लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद वो बेबी गर्ल है। अनी का अभी एक भी बार हेयर कटिंग नहीं हुई है, ये उसके बर्थ के ही बाल हैं। हिंदू धर्म में एक मुंडन सेरेमनी होती है। कोरोना और मल्टीपल रीजंस की वजह से अनी का अभी मुंडन सेरेमनी नहीं हुई है। लोगों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि एक बार बच्चों के बाल काट दो या उनका मुंडन करा दो तो फिर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन अनी की ग्रोथ पहले से ही अच्छी है, बर्थ से ही अच्छी थी। और मैंने 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो किए हैं उसके बालों की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में वही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बाय बर्थ उसका फॉलो किया है वो था कि मैंने उसे कभी क्रेडल क्रैप नहीं होने दिया। क्रेडल क्रैप वो कंडीशन होती है जब बच्चों के बालों में सिर पे स्कल उनका एक तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसमें एक वाइट पपड़ी जम जाती है जिससे बच्चों के बाल बचपन में ही उतर जाते हैं, खुद ही उतरने लगते हैं। इसके लिए मैं बेबी के बालों में बहुत अच्छे से मसाज करती थी हल्के हाथों से, और उसकी फुल बॉडी मसाज के साथ ही उसकी हेड मसाज करती थी, वो भी बेबी ऑयल से। सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था हिमालय का, वो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इस बीच सिर्फ हिमालय ही यूज़ किया है, इसके अलावा मामा अर्थ, डव भी यूज़ किया है मैंने, चीको भी यूज़ किया है। मसाज के 2 घंटे बाद मैं उसको बाथ के लिए ले जाती थी और फिर उसका हेड वॉश अच्छे से करती थी। हेड वॉश के लिए तब मैं बचपन में उसका शैम्पू यूज़ नहीं करती थी, मैं हेड टू टो वॉश ही यूज़ करती थी मामा अर्थ का। उससे बिल्कुल हेड क्लीन हो जाता था और कभी भी उसको क्रेडल क्रैप इससे नहीं हुआ। बच्चों के बालों में कभी भी सोप यूज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बेबी सोप ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी क्रेडल क्रैप होता है। सर्दियों में मैं जो मसाज ऑयल यूज़ करती थी वो मस्टर्ड ऑयल था, घर का जो हम खाने वाला मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। उसमें मैं अजवाइन और थोड़ा सा 2-4 लहसुन की कलियां डाल के उसमें उसको बॉयल कर लेती थी अच्छे से, और फिर गुनगुना होने पर उसको उससे मसाज करती थी जिससे गर्माहट बनी रहती है बच्चों के शरीर में और उनकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं इससे। अनी के बालों में अभी मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का हेयर ऑयल, बेबी हेयर ऑयल। ये काफ़ी थिक है और हर्बल प्रोडक्ट है, तो अनी के बालों को ये सूट भी कर रहा है, तो आजकल मैं इससे ही इसकी मसाज करती हूँ। मसाज से सिर्फ बाल ही अच्छे नहीं होते, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा होता है और बच्चों को इससे बड़ी अच्छी नींद आती है, सारी थकान दूर हो जाती है। जब भी मुझे लगता है कि उसके बाल ड्राई हो रहे हैं तो मैं उसकी मसाज खूब अच्छे से करती हूँ। जब अनी के बाल छोटे थे तब तो हेड टू टो वॉश से ही काम हो जाता था, लेकिन अब उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं तो मुझे शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। शैम्पू भी मैंने शीको का यूज़ किया है और अभी फ़िलहाल मैं हिमालय का यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू अप्लाई करने के लिए मैं थोड़े से पानी में उसे पहले डाइल्यूट कर लेती हूँ, तब अनी के सिर पे उसको अप्लाई करती हूँ। पूरे सिर में शैम्पू अच्छे से अप्लाई करने पर जड़ से लेकर सिरों तक खूब अच्छे से अप्लाई करके फिर मैं उसको वॉश करती हूँ। अभी बारिश का मौसम है तो मैं उसके लिए हल्का गुनगुना पानी यूज़ करती हूँ और फिर खूब ढेर सारे पानी के साथ उसका सिर अच्छी तरह से धो देती हूँ ताकि सारा शैम्पू वॉश आउट हो जाए। शैम्पू ऑयल या फिर डर्ट सिर में ना रहे, इसलिए काफ़ी सारे पानी से मैं उसका सिर अच्छी तरह से धोती हूँ। बच्चों का हेड वॉश करने से पहले
ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि शैम्पू या हेड टू टो वॉश या कोई भी आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल्स फ्री नहीं होती, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है और बालों में हमारे एक शाइन बनी रहती है, और शाइन के साथ साथ ही वो सॉफ्ट और सिल्की रहते हैं। ये चीज़ आपने खुद के बालों पे भी अप्लाई करके देखी होगी। और हेड वॉश करने के बाद अनी को मैं हल्के हाथों से उसके बालों को सुखाती हूँ उसके टॉवल की ही हेल्प से। बालों को कभी भी रगड़िए नहीं ज़ोर से, क्योंकि इससे वो कमज़ोर होते हैं, एक तो गीले होते हैं, ऊपर से कमज़ोर हो जाते हैं और उलझ भी बहुत जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से उनको सुखाना है कि सिर्फ उनका पानी हल्का हो जाए। थोड़ी देर उसके बालों को हल्के हाथों से टॉवल की हेल्प से सुखाती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और मौसम ठंडा है, तो ऐसे में डायरेक्ट फ़ैन के नीचे उसको रखना, उससे ठंड लग सकती है बच्चों को। तो मैं टॉवल से ही जितना हो सकता है सुखा देती हूँ और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कोई भी ड्रायर या कोई चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं करती उसके बालों पर। उसको प्रॉपर कपड़े पहनाने के बाद ही मैं फ़ैन ऑन करती हूँ और बालों को ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, क्योंकि गीले बालों को बांधने से वो ठीक से सूखते नहीं हैं और उनमें स्मेल भी हो जाती है नमी की वजह से, फिर स्वेट की वजह से। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसके बाल खुले रहें जब तक वो सूख नहीं जाते। हाँ, आगे से कभी कभी मैं पिन वगैरह कुछ लगा देती हूँ, छोटी जो बेबी पिन्स आती हैं, ताकि उसको वो बाल आगे आके मुंह पे आके परेशान ना करें। इन दो चीज़ों के अलावा मैं जो थर्ड स्टेप फॉलो करती हूँ उसके अच्छे बालों के लिए, ना सिर्फ अच्छे बालों के लिए बल्कि उसकी अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, कि उसकी डाइट का ख्याल रखूँ। कुछ लोग दूध या दही से बालों को धोना पसंद करते हैं बच्चों के, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ उसे खाने के लिए ही देती हूँ, जिसमें दूध, दही, पनीर या फिर दाल, प्रोटीन जिसमें हो, वो सारी चीज़ें, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। मैं डेली कोशिश रहती है मेरी कि ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में शामिल हों। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे या अपने बच्चे को देंगे तो आपके चेहरे पे चमक भी बनी होती है और बालों पे भी। तो बस ये था हमारा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।